अगर आप लोगों को अभी भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है आईलैश को अप्लाई करने के लिए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप लोग प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखेगा सो देट आपको कोई भी डाउट ना रहे और बहुत ही इजी तरीके से आप अपनी फॉल्सीज को अप्लाई कर लें। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, मेरा नाम है ममता और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था कि आईलैश कैसे अप्लाई करते हैं, आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है आईलैश अप्लाई करने में। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो आप के सामने शेयर करूं सो दैट आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए और मेरी तरह आप लोग एकदम प्रो हो जाए आईलैश को अप्लाई करने के लिए। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। सो चलिए देरी ना करते हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास एकदम नई नवेली फॉल्सीज हैं और अभी मैं फर्स्ट टाइम इन्हें यूज करने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम एज इन अभी ये जो नए नए हैं इन्हें मैं यूज करने वाली हूँ और कुछ इस तरीके से आपको आपकी फॉल्सीज मिलती हैं। देखिए पूरा इनकी लेंथ इतनी होती है कि स्टैंडर्ड लेंथ के साथ ये आती है और ये लेंथ आपको कितनी कट करनी है ये आपको खुद डिसाइड करना होता है। आपको अपनी आई के अकॉर्डिंग जो आपकी आई लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको ये कट करनी होती है। सो मैं सीजर ले लेती हूँ तो हम तुक्का मार के इसको ऐसे कट नहीं करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इसको प्लेस करके अपनी आई पे कि कितनी ज्यादा ये है बड़ी और कितने हिसाब से हमें कट करनी है, फिर धीरे धीरे उसी हिसाब से हम लोग को इसको कट करना होगा। और हाँ मैं एक और बात आपको बताना चाहती हूँ, कट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक बहुत बड़ी गलती जो मैं किया करती थी आईलैश अप्लाई करते टाइम, मैं सीधे अपनी लेंथ चेक करती थी उसके बाद में कट कर देती थी। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, हमको एक बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी होती है कि आपका इनर साइड कौन सा है फॉल्सीज का और आउटर साइड कौन सा है। इसमें डेफिनेटली जो आपकी फॉल्सीज होती है एक राइट आई के लिए एक लेफ्ट आई के लिए होती है, सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आपको ये कैसे पता चलेगा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए जिस साइड हमें कम जिस साइड ये होता है ना, आप लोग फॉल्सीज अगर देख पा रहे हैं अच्छे से तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां पर आपकी फॉल्सीज कम होंगी। सेकेंड कैसे मैं आपको दिखाऊं, जो आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका जो लेंथ है या मैं कहूं कि जो इसके फॉल्सीज हैं यहाँ पर आपको एक कम दिखेगा, कम होता हुआ दिखेगा और बहुत ही कम यहाँ पे फॉल्सीज होंगी। और जो इसका एंड पॉइंट होगा वहां पर आपको फॉल्सीज की जो लेंथ है वो ज्यादा लगेंगी, बिल्कुल जैसे हमारी फॉल्सीज होती है यहाँ पर कम होती है और एंड पे ज्यादा होती है, तो उसी टाइप से आपको ये दिखेगा। और आपको अगर इस चीज में कंफ्यूजन है फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि जब आपकी नई नई फॉल्सीज आती है ना तो वो ऑलरेडी राइट और लेफ्ट के उसमें आती है, सीक्वेंस में आती है, तो उसी टाइम आप लोग वहां पर लेफ्ट और राइट लिख दीजिए और जब आप लोग फॉल्सीज निकालते हैं उसी टाइम उसको वहीं पर रिप्लेस कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को दिख ही जाएगा आउटर इसका आपका जो आउटर साइड है और इनर साइड है, क्योंकि बहुत इजी है ये। स्टार्टिंग में आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, बाद में तो आपको खुद ही हैबिट हो जाएगी और आपको खुद पता चल जाएगा। सो ये गलती मैं करती थी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये गलतियां सब कोई करता है स्टार्टिंग में। अगर आपने ऑलरेडी कर दी है तो आई डू नॉट वरी, अगर आप दोबारा से कोई फॉल्सीज ले रहे हैं उस पर ध्यान आप रख सकते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला इसकी आउटर साइड है ये, सॉरी ये आउटर साइड है ये इनर साइड है, और कट भी जब भी आप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग कट आउटर साइड से करेंगे जो इसका लास्ट एंड है, क्योंकि इनर साइड से आप लोग कर नहीं सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको उसी अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आउटर साइड से हम लोग कट करेंगे। और अभी जो है मैं इसका एक मार्क कट करती हूँ, ठीक है, इसका जो एक मार्क है मैंने यहां से इसे कट किया है, देखिए तो मैंने इसे कट कर लिया है और अब मैं इसको प्लेस करके देखती हूँ अपने आईज पर अगर ये अच्छे से प्लेस होता है तो। सो गाइज ये मुझे फिट नहीं आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको और कट करूंगी, सो हम देख लेते हैं इसे फिर से। ओके फाइन, ये बहुत अच्छे तरीके से मुझे अब फिट आ रही है और इसी तरीके से आपको भी इसकी लेंथ मेजर करके उसको उस तरीके से कट करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। सो अब मैं सेम आईलैश ग्लू से इसमें इसको अप्लाई करूंगी और जैसे कि आप लोगों ने ये एक आईलैश लिया और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा इसको अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत कम कम अमाउंट में आप लोगों को लेना है।
और पूरे नीचे तक आप लोगों को इसको अप्लाई नहीं करना है, वरना बहुत ज्यादा व्हाइट व्हाइट से पैचेस लग जाएंगे। सो बहुत ही हल्के हाथों से, ये देखिए मैंने किस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, लगाया हुआ है। और अब इसको एकदम से आप लोग बिल्कुल लगाते ही आपको ऐसे अप्लाई नहीं कर देना है, वरना वो बहुत ज्यादा चिपचिपा लगने लगता है। अप्लाई करेंगे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपको प्लेस करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपने अभी ग्लू लगाया है, एकदम से आप लोग अपनी आईलैश में लगा रहे हैं तो वो थोड़ा स्लिपरी हो सकता है। और लगाने से पहले आप लोग इस तरीके से ऐसे बैंड कर लीजिए इसको, ताकि एकदम फिट हो जाए आपकी आईलैश पे और इजी रहे अप्लाई करना आप लोगों के। तो आप इसे ऐसे लास्ट से पकड़ेंगे और आप लोग हाथ से, अगर आप लोग कंफर्टेबल, आप लोग प्लकर से इसको अप्लाई कर सकते हैं, पर मुझे इजी ज्यादा लगता है हाथ से अप्लाई करना। सो इस तरीके से आप लोग इसे प्लेस कर दीजिए और ऐसे छोड़ के आप लोग, क्योंकि ये लगाने के बाद एकदम स्टिक हो जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली आप लोग इसको अपने हाथ की हेल्प से इस तरीके से अंदर की ओर पुश कीजिए और देखिए कितने इजीली ये अप्लाई हो गया है। छोटी सी टिप मैं आपको दूंगी, जब आप लोग आईलैश लगा लेते हैं ना, तो उसको अंदर की साइड से ऐसे दबाइए, अपने दोनों हाथों से थोड़ा प्रेस कीजिए, ताकि वो बहुत अच्छे से अंदर से आपका एकदम स्टिक हो जाए। फॉल्सेस अप्लाई करने के बाद आप लोग इसके ऊपर आउटर लाइन की तरह यहाँ पर आईलाइनर लगा सकते हैं ब्लैक कलर का। उससे क्या होगा, अगर आपका जो व्हाइट कलर का जो आपने लगाया हुआ है आईलैश ग्लू, वो अगर सूख के भी दिखेगा, अगर वो सूख भी जाएगा बाद में, तो इतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत पतली सी आउटर लाइन आपको यहाँ पे देनी है, देखिए आप इस तरीके से दे सकते हैं, तो आपका अगर दिखने वाला भी होगा ग्लू, वो नहीं दिखेगा बाद में। सो ये गलती भी मैं पहले किया करती थी, आपको इस बात का ध्यान रखना है। और एक और प्रो टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि फॉल्सेस अप्लाई करने के बाद वो लोग मस्कारा अप्लाई करते हैं, पर मैं बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करती हूँ मस्कारा को अप्लाई करना फॉल्सेस लगाने के बाद। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि फॉल्सेस लगाने के बाद आप लोग इसको अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, जब आप लोग फॉल्सेस लगा लेते हैं उसके बाद मस्कारा अप्लाई करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे साथ हुआ है कि मस्कारा लगाते टाइम आपकी जो फॉल्सीज होती हैं वो मिसप्लेस हो जाती हैं और दोबारा से आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। फिर आप मस्कारा लगाने के बाद अगर आप उसको लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज्यादा अजीब सा हो जाता है आपका पूरा मेकअप और बुरा लगता है वो। तो अच्छा है आप लोग पहले ही मस्कारा को अप्लाई कीजिए अपनी आईलैशेस पे, उसके बाद आप लोग फॉल्सीज लगाइए और ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं लगता है जब लोग फॉल्सीज लगाने के बाद उसके बाद उसमें मस्कारा अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो आपकी फॉल्सीज है वो ऑलरेडी आ रखी है उसी शेप में, बहुत अच्छे तरीके से, उतने ही लेंथ के साथ। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अप्लाई कर ली है फॉल्सीज, मैं आपको इस आई में भी जल्दी से अप्लाई करके बता देती हूँ। सो गाइज फाइनली मैंने दोनों आईज पे लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं कितना इजी था इसे अप्लाई करना और कितने अच्छे से ये अप्लाई हो चुका है। मैंने अपने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर किए, आई होप आप लोगों को भी अब इजी लगे आईलैशेस को अप्लाई करना। सो इसी तरीके से आप लोग भी आईलैश अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में डिफिकल्टीज हो, इनफैक्ट मैं अगर बताऊं तो मुझे अभी भी कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ आईलैश लगाते लगाते, क्योंकि पता नहीं कभी कभार हो जाता है कि आप लोग आईलैश लगा रहे हैं और मिसप्लेस होते रहता है, वो कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। पर अब पहले से काफी आसान है और मुझे कभी कभार होता है कि मैं मिनटों में लगा लेती हूँ, कभी कभार होता है कि मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं अप्लाई करते करते। सो वो नेचुरल है, वो हो सकता है, आप लोगों को भी टाइम लगेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि तरीका तभी आपको समझ में आएगा अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे, देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग, आपके पास अगर लैशेज है तो उठाइए और अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आप लोग भी प्रो हो जाएंगे और इसी तरीके से आप लोग भी बड़े इजिली अप्लाई कर सकेंगे अपनी लैशेस को। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।